तो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड गाइस, इतने दिन से मैं किधर गायब था, तो आज मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बात है, शुरू हुआ था 9 नवंबर से, रात को 11:30 बजे मैं खाना खा रहा था, चावल और छोले, ठीक है। और मुझे पता नहीं था कि उस दिन से मेरा ज़िंदगी यूँ पलट जाएगा, इतना स्लो हो जाएगा। बिकॉज खाना खाने के वक्त जो चना है ना, जो छोले का दाना है ना, मेरे दांत में लग गया था। मेरे दांत ऑलरेडी एक मतलब क्या बोलूँ, खा चुका है कैविटीज, एक दांत खा चुका था उस टाइम, ठीक है। मैं इतना फ़र्क नहीं पड़ता था उस टाइम कि चलो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जगह में जब लगा वो दाना ना छोले का, उस टाइम जो दर्द हुआ था मेरे को, और उस टाइम मैं गांव में था, रात के 11:30 बज रहे थे, और इतना दर्द हुआ कि मैं रह नहीं पा रहा था। और दवाई कैसे लूँ, घर में दवाई नहीं था उतनी रात को गांव में। एज यू नो ऑल नो भाई कि गांव में उतना रात तक दुकान नहीं खुला रहता, तो मैंने बहुत ही क्या बताऊँ भाई, बहुत पेन आया उस रात पर, बहुत पेन में रो रहा था लिटरली उस रात। तो सुबह होने के बाद पापा ने दवाई लेने गया, दवाई खाया मैं, उसके बाद काम ठीक था और किस तरह भी चल रहा था, मैं रात भी नहीं देख पाया इस बार, ठीक है। तो रात में फिर से मैं एक दवाई खाया था, दर्द वापस आ रहा था, तो मुझे लगा नहीं फाइनली अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मैं गया डॉक्टर के पास और उसने बोल थे कि इस दांत को मतलब इस साइड का दांत है, तो उसको RCT करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई ना, तो RCT करवाने के लिए लगभग 10,000 खर्च हो जाएगा मेरा अभी। तो हो तो गया मेरा RCT, बस एक कैप लगवाना बाकी है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। मैं चालू करने गया, अगर RCT ट्रीटमेंट चालू हुआ मेरा, तो क्या बताओ भाई, जब जिस दिन भी करता था ना, तो उस दिन भी अंदर दो इंजेक्शन देता था भाई, एनेस्थीसिया का, सेंसलेस हो जाएगा पूरा मेरा। उसके बाद इसमें साइड का ट्रीटमेंट करता करता डेली मतलब एक दिन ही बस एक दिन, उसके बाद का दिन मतलब आज किया तो कल नहीं परसों किया, ऐसे किया था। तो लेकिन जब परसों से शुरू किया पता, तो 3 दिन लगातार मेरा ट्रीटमेंट चला, ठीक है। तो उस वक्त उस दौरान दर्द था, मतलब मैं तब भी 0 days भी आता है जब दर्द आता था, तो मैं खाता था, दर्द था तब भी मैं खाना वाना नहीं खा पाता था भाई, इस साइड से खाता था। बहुत ही परेशान था भाई, बहुत ही परेशान, मेरा वेट इतना गिर गया है ना, किधर मैं 66 था और अभी पता नहीं कितना होगा मेरा। मैं इतना कुछ करके वेट बढ़ाया था मेरा, लेकिन देखो। देन उसके बाद ट्रीटमेंट कम्प्लीट होने के बाद बोल गया था डॉक्टर कि दर्द आएगा वापस। सोमवार दिन मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, चुप गया, सोमवार दिन मैं मालदा पे ही था, तो उस दिन भी दर्द आया था, थोड़ा आया था, एक पेन किलर से काम बन गया था। लेकिन उसके नेक्स्ट दिन मैं घर आने वाला था, तो एक पेन किलर खा के घर आया था, बिकॉज दर्द आ रहा था थोड़ा, और घर आके भी खाना खा के दर्द थोड़ा सा बढ़ गया, तो मैं एक बार पेन किलर खा लिया। लेकिन रात को काली पूजा था मेरे इधर, ठीक है। तो उधर से जस्ट आके उधर रात को ही सब होता है, मैं तो हर बार ही जगता हूँ भाई, लेकिन इस बार तो नहीं हो पाया। तो उधर से प्रणाम करके घर आया जस्ट, और फिर से दर्द शुरू हुआ, इतना दर्द कि मैं अपने फिर से डॉक्टर को कॉल किया, बहुत दर्द कर रहे हैं, मैं रह नहीं पा रहा, इतना दर्द कर रहा है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, तो कुछ दवाई दिया फ़ोन में बताया मुझे, एंड देन उस फिर से रात को दर्द आया था, तो इधर कोई दुकान भी नहीं खुला था। तो फिर पूरी रात में फिर से वो दर्द में गुजारा भाई, मैं रोया, बहुत रोया भाई उस दर्द में, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने कब से मैं सही से नहीं सोया था भाई, सही से नहीं सोया था। तो इसके नेक्स्ट दिन बाद पापा ने गया, दवाई वाई लेके आया, एक्सेट्रो लेके, तो वो खाना खाने के बाद मतलब खाना पड़ता था वो दवाई खाना खाने के बाद, तो वो चला मेरा 2 दिन RCT के बाद 2 दिन टीलैक, जो बहुत ही हाई पावर है भाई, ठीक है, हाई पावर जो दवाई है टीलैक। उसके बाद धीरे धीरे मेरा दर्द कम हुआ, तो अभी तो दर्द नहीं है, लेकिन मिडिल पे
मेरा दांत बैठ चल रहा था नीचे का दांत, मतलब ये ऑफर फ्रंटेड और ये जो नीचे का दांत है तो खट करके बैठ जा रहा था। तो इसी वजह से मैं सोच रही कि मैं सो रहा हूँ और दोनों बैठ गए ऐसे ही, तो मैं डर चल रहा था फिर से कि लगन लग जाए। तो कोई ना, अभी तो वो भी नहीं हो रहा है, तो अभी भी मैं ठीक ही हूँ और आई होप कि मैं ठीक रहूँ, बिकॉज कुछ दिनों बाद मुझे दार्जिलिंग भी जाना है। तो ये मैं सोचा था आप लोगों की बहुत ही एक्साइटेड होकर बताऊंगा, लेकिन ऐसा क्यों बता रहा है, क्या हो जाता भाई, क्या बताओ कि। तो कोई ना, अगर मैं सही रहूँ तो मैं दार्जिलिंग जाऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट संडे ही। एंड देन मेरा कैब जो बैठा था वो दिसंबर में दार्जिलिंग में जाने के बाद जब मैं आऊँगा उसके बाद ही बैठेगा शायद, हाँ उसके बाद ही बैठेगा। तो लेकिन मिडिल पे मुझे एक दो तीन चार दिनों में जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, कैब का साइज लेना पड़ेगा, मतलब दांत का साइज लेके भेजना पड़ेगा। तो हो गया वो चीज़ है, तो अभी मैं ठीक ही हूँ, मैं अभी खाना खा पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, इस साइड से ही खा रहा हूँ मैं। तो यही था कुछ भाई, एक मतलब बुरा सपना जैसा मेरा 9 तारीख से अभी कुछ दिनों पहले तक गया, 10-15 दिन इट्स लाइक हेल्थ ब्रो, मेरा लाइफ हेल्थ जैसा कट रहा था कुछ दिनों, तो यही सब हो रहा था मेरे साथ, इसी वजह से थोड़ा एक्टिव नहीं रह पाया। और भी बहुत कुछ आप लोगों को बताने को, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही, अगर वीडियो अच्छी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पर, बाय।